हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं आलू बैंगन की चटपटी सी रसीली सब्जी कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 पाव बैंगन, 1 आलू, 1 टमाटर, 1 प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर कढ़ाई में मैं तेल ले लूँगी 2 टेबलस्पून और इसको गर्म होने के बाद मैं डालूँगी 1 टीस्पून राई और 1 टीस्पून जीरा और इसको अच्छे से क्रैकल हो जाने दूँगी। और जब ये क्रैकल हो जाएगा तब मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हमें अच्छे से भून लेना है जब तक इसका कच्चापन चला ना जाए। और इसके बाद मैं डालूँगी चॉप प्याज और इसको हमें अच्छे से फिर गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को हमें पका लेना है। और मैंने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून हींग। फिर मैं डाल लूँगी इसमें प्याज और थोड़ा सा चुटकी भर नमक ताकि हमारे टमाटर अच्छे से जल्दी से गल जाए। और फिर जब टमाटर गल जाएंगे तब मैं ड्राई स्पाइसेस डालूँगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी और मिर्ची मैंने 4 टीस्पून डाले हैं, बट आप आपके स्पाइसेस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ी चटपटी सी ही अच्छी लगती है सब्ज़ी। और ये मसाले को मैं अच्छे से चला लूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के इस मसाले को पकने दूँगी ताकि हमारा मसाला नीचे से लग ना जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड पोटैटोस और बैंगन और इसको मैं अच्छे से मसाले में कोट कर लूँगी और 2 मिनट में इस मसाले में पका लूँगी। फिर थोड़ी देर से मैं डालूँगी 1 गिलास भर पानी का और आप पानी भी अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रसा चाहिए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा 2 गिलास पानी डाल सकते हैं, नहीं तो 1/2 गिलास पानी डाल सकते हैं अगर आपको कम रसा चाहिए तो। और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से उबाल आने देना है हमें और उसके बाद ढक्कन रख के पका लेना है। तो आपकी सब्ज़ी एकदम तैयार हो जाएगी और बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है ये ऐसी सब्ज़ी। और आप भी बनाने का ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके फिर बताइएगा कि आपकी कैसी सब्ज़ी बनी। और आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन सी ऐसे होममेड एकदम सिंपल रेसिपीज़ देखना पसंद करेंगे। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय गाइस।